हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल आज हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़ द क्वेश्चन नंबर एंड एलेवन इज़ आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनास्टी विच डायनास्टी एसटैब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर करकोटा डानेसिटी के खात्मे के बाद जम्मू एंड कश्मीर में किस डाइनासिटी ने रूल किया ऑप्शन वन इज उत्पाला डायनेस्टी, द सेकेंड इज लोहरा डायनेस्टी, थर्ड देवा डायनेस्टी और फोर्थ ऑल ऑफ द एबो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन उत्पाला डायनेस्टी ने करकोटा डायनेस्टी के खात्मे के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अपना रूल जमाया कुछ उत्पाला डायनेस्टी की रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम आगे वाले एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए दैट इज उत्पाला डायनेस्टी द क्वेश्चन नंबर एंड ट्वेल्व इज हु फाउंडेड दी उत्पाला डायनेस्टी उत्पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया हु वॉज इट्स फाउंडेड ऑप्शन वन इज अवंती वर्मन सेकेंड यशा करदेवा थर्ड संग्रामा देवा और फोर्थ दिदा दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन वन अवंती वर्मन ने उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया अवंती वर्मन ने जम्मू एंड कश्मीर को रूल किया फ्राम द एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ए डी से लेके एटीन हंड्रेड एंड एटी थ्री ए डी तक एंड अवंती वर्मन के टाइम पे जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल थी दैट वॉज अवंतीपुरा द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस डायनेस्टी इज दैट इसने दो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए एक टेम्पल इसने डेडिकेट किया शिवा को और दूसरा विष्णु को सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द उत्पाला डायनेस्टी इज दैट उत्पाला डायनेस्टी को अवंति मोर वर्मन ने फाउंड किया एंड इसने कैपिटल बनाई अवंतीपुरा दो इंपॉर्टेंट टेंपल्स अवंतीपुरा में कंस्ट्रक्ट किए गए जो डेडिकेटेड थे शिवा को और विष्णु को लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु द क्वेश्चन नंबर एंड थर्टीन हु फाउंडेड सुयापुर जो प्रेजेंट टाउन इन सोपोर है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में इसको किसने फाउंड किया हु फाउंडेड दिस टाउन द फर्स्ट इज सुइया सेकेंड अवंती वर्मन थर्ड शंकर वर्मन और फोर्थ यशस्कारा। प्रजेंट डे सोपोर जो है जिसको सुयापुर के नाम से पहले जाना जाता था इसको फाउंड किया सुया ने एंड सुया जो है ही इज़ कंस्टर्ड एज कंटेस्टेड एज बेस्ट इंजीनियर ऑफ कश्मीर जो सुया है ही इज़ कंटेस्टेड एज बेस्ट इंजीनियर ऑफ कश्मीर एंड ही फाउंडेड सुयापुर जो प्रेजेंट टाउन है जिसको सोपोर के नाम से जाना जाता है इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि सुयापुर को कौन सी डायनेस्टी में फाउंड हुआ क्योंकि सुया जो था ही वॉज एक्चुअली द इंजीनियर ऑफ अवंती वर्मन इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट डे सोपोर है जिसको सुयापुर कहा जाता था ये किस डायनेस्टी ने फाउंड किया तो इट वॉज उत्पाला डायनेस्टी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन ऑप्शन दैट इज सुया ना क्वेश्चन नंबर एंड फोर्टीन कोंद दिदा हु रूल्ड कश्मीर फ्राम नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी टू वन थाउजेंड एंड एट ए डी बिलोंग टू विच डायनासिटी क्विंदिदा एक मशहूर कोईन है कश्मीर के जिसने रूल किया है फ्राम नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी से लेके वन थाउजेंड एट ए डी तक ये किस डाइनासिटी को बिलोंग करती थी ऑप्शन वन इज देवा डायनास्टी सेकेंड इज शाह मीर डाइनासिटी थर्ड इज उत्पाला डायनास्टी और द फोर्थ इज़ लोहरा डायनास्टी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर जो क्वीन दिदा थी ये लोहरा डायनेस्टी को बिलोंग करती थी यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको दे दूँ परवा गुप्ता इसने कश्मीर को रूल किया एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इसकी डेथ के बाद कशा गुप्ता कश्मीर को रूल करता है कशा गुप्ता गेट्स मैरीड टू कुंदिदा ये शादी करता है कुंदिदा के साथ एंड क्विंददा एक्चुअली रेयर रूलर थी कश्मीर की ये बस पपेट था सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी जो वो कुंददा चलाती थी सो कुंददा वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज़ फार एज़ ये कंसर्न है कि ये कुंदिदा कहाँ से थी ये लोहरा डाइनेस्टी को खुद बिलोंग करती थी नौ क्वेश्चन नंबर एंड फिफ्टीन दी क्वेश्चन नंबर एंड फिफ्टीन इज जूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हाना कंप्लीट राज तरंगनी जो कल्हाना की राज तरंगी है कौन सा ऐसा रूलर था जिस टाइम पे कल्हाना ने खत्म की अपनी ये बुक लिख के द फर्स्ट इज़ हर्षा सेकेंड इज भोजा थर्ड जय सिम्हा फोर्थ उदयराज अगर हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर की द आंसर इज ऑप्शन थ्री जय के टाइम पे कल्हाना ने राज तरंगानी को लिख के खत्म कर दिया जय कौन था ही इज कंस्टर्ड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी ही रूल्ड कश्मीर फर्मली फॉर ट्वेंटी सेवन ईयर्स इसने सत्ताईस साल तक रूल किया फर्मली ड्यूरिंग हिज रूल कश्मीर में पीस आया ही एस्टैब्लिश पीस इन कश्मीर रिमेंबर थ्री पॉइंट्स कल्हाना ने अपनी राजा तरंगिनी कंप्लीट की जय के टाइम पे जो जय था वो लास्ट ग्रेट रूलर था लोहर डायनेस्टी का एंड इसने करीबन 27 साल तक कश्मीर को रूल किया एंड इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसके टाइम पे पीस एंड ऑर्डर था पूरे कश्मीर में द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री दैट इज़ जय लेट्स मू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर एंड सिक्सटीन इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर कौन था ऑप्शन वन इज़ सुल्तान सदरुद्दीन सेकेंड फिरोशाह तुगलक थर्ड सुल्तान जैनलाब्दीन फोर्थ अकबर

इसने कश्मीर में क्योस और बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ की अब क्या काम होता है जो देव डायनेस्टी का लास्ट रूलर है वो कश्मीर को छोड़ के भाग जाता है इसी दौरान रिंचन जो कि लद्दाख का एक प्रिंस है वो कश्मीर आता है और कश्मीर में थ्रोन को सीज़ करके यहाँ पावर को अपने हाथ में लेता है ही एज्यूम्ड द पावर एंड थ्रोन इन कश्मीर रिंजन अपना नाम तब्दील करके मुस्लिम बन जाता है ही एंड ही नेम्स हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन सो दिस इज़ कंसडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कि किस तरह से हिंदू डायनेस्टी से दुल्हेचा ने वो अट्रॉसिटीज़ क्राइम की एंड उसका जो लास्ट रूलर था वो कश्मीर छोड़ के भाग गया देन रिंजन कश्मीर आता है वो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है एंड अपना टाइटल नाम रख के सुल्तान सदरुद्दीन रख लेता है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नोन एज फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन गेट ऑल दिस कंटेंट जो हमने अपलोड किया बाकी पी डी एफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड सेवेंटीन इज हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर नाउ दिस बिकम इज इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं कि पहला मुस्लिम रूलर सुल्तान सदरुद्दीन था तो ये भी सवाल पैदा होता है कि एंड का हिंदू रूलर कौन था द लास्ट हिंदू रूलर जो था ऑप्शन वन इज सहदेव सेकेंड इज उदियाना देवा थर्ड इज हर्षा फोर्थ इज बोजा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज उदियाना देवा उदियाना देवा ब्रदर था सहदेव का सहदेव वही रूलर है जिसके टाइम दुलेचा कश्मीर में आता है आफ्टर द डेथ ऑफ सहादेव इसकी क्वीन है उसका नाम है कोटा रानी कोटा रानी शादी करती है उदियारा देवा से एंड एक्चुअली सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कोटा रानी खुद चलाती थी शी वॉज अ ब्रेव लीडर लेकिन कोटा रानी के टाइम पे जो शाहमीर था शाहमीर वॉज दी मिनिस्टर ऑफ रिंचन जिसको सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से जाना जाता है शाहमीर रेजिस्टेंस को कोटा रानी पूरा सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है एंड फाइनली हिंदू रूल को शाहमीर जो रिंजन का मिनिस्टर है वो ख़त्म कर लेता है आई विल रिपीट उदियाना देवा वाज द लास्ट रूल हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर उदियाना देवा ब्रदर था सहदेव का सहदेव बिलोंग टू द डायनेस्टी विच वॉज एंडेड बाई दुलचा दुलचा के टाइम पे जिसने क्रॉस किया यहाँ पे सादेव की डेथ के बाद इसकी जो बीवी है कोटा रानी वो दूसरी शादी करती है उदियाना देवा से और हकीकत में सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेती है लेकिन शाहमीर जो कि रिंचन का एक मिनिस्टर था यहाँ पे कोटा रानी के साथ जंग की एंड फाइनली थ्रोन उसके हाथ से ले लिया एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द हिंदू रूल इन कश्मीर नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड एटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशी दिए गए रूलर्स में से कौन सा ऐसा है जिसने सिटी ऑफ नौशादरी को फाउंड किया द फर्स्ट इज़ शहाबुद्दीन द सेकेंड इज़ जैनबद्दीन द थर्ड इज़ शाहमीर फोर्थ इज़ नन ऑफ दिज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकेंड दैट इज़ सुल्तान जैनलाब्दीन ही इज़ कंस्टर्ड एज़ द वन हु हैज़ फाउंडेड द दिटी ऑफ नौशादरी ये एक ग्रेट रूलर था इम्पॉटेंट पॉइंट अबाउट जैनलाब्दीन इज़ दैट इसने ओपन किया रॉयल किचन रैनावारी के पास एक रॉयल किचन ओपन किया फॉर हिंदू पिलग्रिम्स जिसको जोगी लंकर के नाम से जाना जाता है ही ओपनड द रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स एट रैनावारी और इसको जोगी लंकर के नाम से जाना जाता है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सुल्तान जैनलाब्दीन कि इसने एक रॉयल लंगर हिंदू पिलग्राम्स के लिए बनाया सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन सेकेंड दैट इज़ सुल्तान जैन द्दीन द क्वेश्चन नंबर एंड नाइनटीन इज हो बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर शालीमार बाग और निशात बाग को किस रूलर ने बनाया द ऑप्शन फर्स्ट इज़ अकबर सेकेंड जहांगीर थर्ड औरंगज़ेब और फोर्थ शाहजहान The answer of this question is option second that is Jahangir. Jahangir ने Shalimar बाग और निशाद बाग को बनाया इसके अलावा he also built अच्छबल and Verinag. Jahangir Kashmir कश्मीर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड पूरी लाइफ में उसका जो अपना टेन्योर था एज एन एम्पर ही विजिटेड थर्टीन टाइम्स टू कश्मीर एंड उसने ये शालीमार बाग निषाद बाग अच्छ एंड वेरीनाग बिल्ड किया द क्वेश्चन नंबर एंड ट्वेंटी इज हु द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट फाइनेंस एंड रेवन्यू मिनिस्टर जूरिंग अकबर पीरियड इन कश्मीर अकबर का जो रूल था टेन्योर था उस टाइम पे कौन उनका फाइनेंस मिनिस्टर था एंड ही इज कंसडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स दो मिनिस्टर्स को आप याद रखेंगे वन इज सुया जो राजा अवंती वर्मन के टाइम पे था एंड सेकंड इज दिस फाइनेंस मिनिस्टर द ऑप्शन वन इज़ सुल्तान हबीब शाह राजा राज टोडरमाल थर्ड जहांगीर और फोर्थ नन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकंड। राजा तोडरमाल जो है ये अकबर के टेन्योर का जितने भी सारा इसका इलाका था ही इज़ कंस्डर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट फाइनेंस एंड रेवन्यू मिनिस्टर इन फैक्ट अभी भी जो कश्मीर में पर्बत रेवन्यू सेटलमेंट सिस्टम है परबत रेवन्यू सेटलमेंट सिस्टम ऑफ वैली इज बेस्ड ऑन दी आ, स्केच जो प्रोवाइड किया था राजा टोडरमाल ने दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन अगर आपको ये सेशन पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आने वाले सेक्शन में आने वाले टाइम में इसी तरह से सारे सेक्शंस को कवर करेंगे एम के जरिए आप कोई ना कोई बुक तो पढ़ रहे हैं बट जब आप एक एम सॉल्व करते हैं तो ये आपकी जो रीजनिंग की एबिलिटीज़ होती है और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग